सेट वन रेलवे का, तो सब लोग जुड़ जाइए। चलिए, ज्वाला यादव हैं, चौधरी जी हैं, धीरज सिंह हैं, अभिषेक, कमलेश भारती और बहुत सारे लोग हैं, जो राज हैं, आर्य सोझा हैं। चलिए, तिलक भोजपुरी प्रेजेंट, मनीष बाबा राज। चलिए आ जाइए, तो पहला प्रश्न की ओर आ जाइए। कह रहा प्रश्न, यदि संख्या, सुन पा रहे हैं, यदि संख्या क्या है? संख्या जरा ध्यान से सुनेंगे। एक्स 4461, एक्स का मान क्या है? 11 से विभक्त। 11 का नियम कहता है कि संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योगों का अंतर 0, 11, 22, 33 इतनी आ जाए। तो हम यहां से इसको देखेंगे कि 4, 1, 5, अब 5 + x क्या आया? 5 + x, और एक यहां से आया 6 व 4, 10। तो x का मान क्या रखा जाए कि 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए। तो 5 रख देंगे तो 5, 5, 10 में से 10 क्या आ जाएगा, यानी कि x का मान क्या होगा? 5। बताइए एक्स का मान क्या होगा? 5। सब लोग देख पा रहे हैं? नहीं आवाज जा रहा है क्या? आवाज जा रहा है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न की ओर आ जाइए। निम्न में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो 9 का नियम क्या कहता है? संख्या के अंकों का योग। तो 5, 6, 11, 11, 1, 12, 1, 13, 13, 2, 15। 9 से नहीं कटेगा, 15, 8, 9, 17, 17, 4, 21, 17, 4, 23 हो जाएगा, 21, सॉरी 17, 4, 21, और 4, 25, 5, 30 ये भी नहीं कटेगा। 4, 9, 13, 13 और 6, 19, 19 + 5, 24, 3, 27 ये कट जाएगा। 3 नंबर आंसर लगाइए। सब लोग का सी आंसर चल रहा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सी आंसर सब लोग का चल रहा है। चलिए अगला है, 4 से पूर्णतः विभक्त। 4 का नियम क्या कहता है? इकाई और दहाई अंक चेक करना है। तो 4 से चेक करेंगे, 19 चौक 76 कट गया। यहाँ चेक करेंगे, 4 से नहीं कटेगा। यहाँ 4 से करेंगे, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। आंसर ए। नियम याद है कि नहीं ये बताइए। सब लोग को नियम याद है? 4 का नियम याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न। बहुत सारे अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बहुत बढ़िया। सी पिछले का आंसर आप लोग दे रहे हैं, इसका आंसर ए होगा, ठीक है? इसका आंसर ए होगा। कोई व्यक्ति अभी, अच्छा अभी आए हैं। चलिए, 6 से भाज्य है। 6 से विभक्त होने का नियम कहता है 2 और 3 का नियम चेक करना। 2 और 3 का नियम चेक करना। तो 2 का नियम तो सब पालन कर रहा है, एक छोड़कर ये हटा दिए, काट दिए। 2 को चेक करने के लिए क्या बताए थे? 2 को बताइए, 2 को चेक करना है जब सम स्थान हो, इकाई स्थान पे क्या हो? सम हो। इकाई स्थान पे क्या हो? सम। तो 1 तो ऑप्शन आपका खत्म। और 3 का नियम आपके पास है, 2, 1, 3, 3, 6, 6, 7, 13, 13, 8, 19, 13, 8, 21, 8, 7, 15, 15, 3, 15, 3, 18, 2, 20, 21, 3 से भी कट गया, 2 से भी। यहाँ चेक करते हैं, 7, 3, 10, 10, 2, 12, 1, 13 ये नहीं कटेगा, 8, 8, 16, 16, 3, 19, 2, 21, 21, यानी कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर, जो कि 2 के भी नियम को फॉलो किया और 3 के भी नियम को फॉलो किया। क्लियर है? चलिए, कह रहा है कि 6 से चुनना है अनुपस्थित अंक को, 9, 8, 7, x, 5, 4। तो 2 का नियम तो ऑलरेडी फॉलो किया है, ये बताइए 6 का नियम क्या कहता है? 2 और 3, तो 2 का नियम इकाई स्थान पर सम है। आपको चेक किसको करना है ये बताइए, चेक किसको करना है? 3 का। तो 3 का नियम क्या कहता है? संख्या के अंकों का योग। तो 5, 4, 9, 7, 16, 16, 8, 24, 24, 9, 33, 24, 9, 33। यहाँ से एक x का मान कुछ रखना है, तो 0 भी रख सकते हैं, और सबसे कम रखना है तो 0 नहीं ऑप्शन में, तो 3 रखेंगे, तो 36 हो जाएगा। फिर से 5, 4, 9, 9, 7, 16, 16, 8, 24,
24 में 9 जोड़ेंगे, 9 4 13 33 आया, 3 तो कम से कम 0 रखते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, 33 भी कट जाएगा तो 0 नहीं है ऑप्शन में, इसलिए क्या रखेंगे 3। समझ में आ रहा है, क्योंकि 33 के बाद 36 ही है जो कटेगा, किस से 3 से। सब तो सही है, 5 का सी बहुत जबरदस्त आंसर चल रहा है। अभी रावण कुमार हैं एक, अंशु आशु, चलो बहुत अच्छा, सब लोग का ऑप्शन चल रहा है। कौन है जो 8 से भाज्य नहीं है? 8 का नियम क्या कहता है? इकाई दहाई सैकड़ा चेक करने को। 8 का नियम कहता है इकाई दहाई और सैकड़ा चेक करने को, तो बड़ा आसान है 8 का नियम। यहाँ से 676 को केवल चेक करिए, 8 से 64 और 3 बचा, 36 बचेगा, 8 से नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन खत्म, 504 है। 8 से 48 और 2 बचा, 24 कट गया, बस हो गया। कौन है जो भाज्य नहीं है? तो मिल गया, ये ऑप्शन ए होगा क्योंकि ये कट गया। फिर ये देखिए, 8 से 8 4 32 8, ये भी कट गया, 8 से 8 कम 1, 8 4 8 8 4 32। कौन कट रहा है? सब। कौन भाज्य नहीं है? भाज्य नहीं है तो कौन आंसर होगा? ए नंबर। भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है तो ए नंबर ऑप्शन है जो भाज्य नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए, ए नंबर आंसर है बेटा जो भाज्य नहीं है। समझ में आया? अगला प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि 3 से, इससे 3 से भी भाज्य है तो 2 7 6 1 ठीक है ना। फिर 7 2 9 संभावित मानों का योग पूछा है, तो जितने मान x के रखाएंगे उसका योग पूछा है। 7 2 9 9 6 15 15 1 16 7 2 9 9 7 2 9 9 6 15 1 16 16 आया, 16 में सबसे 16 के आगे है कटने वाला 3 से। 3 का नियम तो पता है, संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो, तो 16 के बाद जो है कटने वाला कौन है? 18, यानी कि एक मान दो रखेंगे। 21 भी है जो 3 से कटेगा, 5 रखेंगे, 16 5 21। फिर 24 है तो 16 8 24। फिर 27 है तो 27 रखने के लिए 11 रखना होगा, तो 11 रखना है कि 2 अंक हो जाएगा 11, इसलिए 11 नहीं रखना है। क्या क्या रख सकते हैं? 2 5 8, बस अंकों का योग पूछा है। 8 5 13 13 2 15। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ कमेंट बॉक्स में, ये बताओ मुझे यहाँ। ये तो सी पीछे वाला कैंसर लगा रहे हैं कि किसका डी लगाए हैं। चलिए पहले ये मुझे स्लो चल रहा है मुझे लग रहा है मोबाइल, ये मुझे बताइए कि यहाँ से 11 क्यों नहीं रखे? क्योंकि यहाँ अंक पुट करना था, यहाँ पे आपका 11 संख्या है जो नहीं रखाएगा, सिंपल। कह रहा है कि भाजक गुने भागफल आप तो पढ़े होंगे, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, भाजक गुने भागफल प्लस शेष बराबर संख्या, इसे भाज्य के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका भाजक गायब है। ठीक है, कोई बात नहीं, भागफल मालूम है 83 या शेषफल मालूम है 3, अब बराबर संख्या मालूम है 14 528, तो भाजक गुने तो आप 83 लिख ही सकते हैं ना दोस्त, और 3 ये आपका उधर जाकर घट जाएगा, 3 घट जाएगा ना जी, तो ये हो जाएगा 14 525। अब 83 से जब कटाएंगे एक बार में 7 और 5 175 बार में कटेगा, आंसर हो गया डी। कटा कर देखिए, बहुत बढ़िया कौशिक कुमार आंसर दे रहे हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। चलिए सब लोग पढ़िए, अगला क्वेश्चन है कि 12 से विभाज्य है, किससे? 12 से, तो 12 से विभक्त होने के लिए 3 और 4 का नियम, 3 और 4 का, तो ये भी 4 से कटेगा, ये भी ये भी ये भी सब 4 से कटेगा, क्योंकि 4 का नियम कहता है इकाई दहाई चेक करिए, कर दिए। और 3 से नियम कहता है चेक करना जोड़ना, 9 3 12 12 4 16 16 1 17 17 2 19, 9 3 12 4 16 1 17 2 19, 6 3 9 9 4 13 13 1 14 2 16, ये भी 3 से नहीं कटा, ये भी नहीं, 7 3 10 4 14 1 15 2 17, 7 3 10 10 4 14 1 15 2 17, 8 3 11 11 4 15 15 3 18, यानी कि ये बेटा कट गया डी नंबर आंसर। बोलो सब लोग क्लियर है? अरे बताइए भाई, सब लोग क्लियर है कि नहीं? चलिए आंसर चल रहा है सब कोई का, उसमें पीछे में ए आंसर धीरज सिंह, ठीक है डी अब सही दिए हैं, रावण नाम एक रखे हैं, कोई बड़ा मैसेज कर रहे हैं।
रानी गुप्ता, आशुतोष, हाँ, आशु कुमार, अभिषेक, ज्वाला, मिष्टी सिंह, रवि, उपेंद्र, राजू। चलिए अच्छा लगा। प्रश्न है कौन है नौ से विभाज्य है, तो नौ से विभाज्य है अंकों को जोड़िए, छः पाँच ग्यारह, ग्यारह सात अठारह, छः चौबीस, पाँच उनतीस, सात चार ग्यारह, ग्यारह आठ, ग्यारह आठ उन्नीस, उन्नीस छः पच्चीस, अदू सत्ताईस। कट गया, जोड़ लीजिए, सात चार ग्यारह आठ उन्नीस, उन्नीस अदू इक्कीस, छः सत्ताईस। बहुत बढ़िया चल रहा है आंसर आप लोग का। 1265 में क्या घटाया जाए, ठीक है, जो 29 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, चार बार में जाइए 116 हो जाएगा, ये 29 से तीन बार में जाइए 29 तीस सतासी हो जाएगा, तो ये आपका 15 में से सात गया आठ और ये एक, नौ में से आठ गया एक। अब क्या करना है कि घटाया जाए, तो घटाने का बात करे तो डायरेक्ट ये, और जोड़ने का जब बात करता तो जोड़ने का बात करेगा तो भाजक माइनस शेष, लेकिन घटाने का बात हो रहा है इसलिए डायरेक्ट आंसर कौन सा लगेगा, सी नंबर। बोलिए किसी को दिक्कत है सर, जीडी का बैच कब से आ रहा है, 13 सितंबर। पर 1184 में से क्या घटाई जाए जो 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है ना, फिर 1184 है, 21 से पांच बार में जाइए 105 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा, 21 से छः बार में 26, यहाँ से 14 में से 6 गया 8, यानी 8 घटाई जाए, घटाने के लिए बोले डायरेक्ट और जोड़ने के लिए बोले तो भाजक माइनस शेष करके आंसर देना है। बोलिए घटाने के लिए बोलेगा तो डायरेक्ट घटा दीजिए ना। फिर अगला प्रश्न है 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए 11 से विभक्त हो जाए, ये दो ऑप्शन है, एक तो आपको फॉर्मूला लगा सकते हैं 11 का नियम जो है उसको, ऐसे भी कर सकते हैं 17 11 एकम 11 ये हो जाएगा 63, 11 25 55, 8 11वां नहीं 11वां 88, तो ये हो जाएगा एक। क्या जोड़ा जाए तो 11 में से एक घटा के 10 जोड़ना है, जोड़ने का बात आएगा बेटा तो भाजक माइनस शेष, जोड़ने का बात आएगा तो भाजक माइनस शेष। अगर चाहें तो नियम भी लगा सकते थे, देखिए यहाँ से 916 और 314 घटा दीजिए, क्या इसमें 916 और 314 क्या जोड़े कि 11 आ जाए, तो 10 जोड़ेंगे तो ये तो 11 नहीं आएगा, 12 जोड़ना होगा, तो 12 तो जोड़ नहीं सकते, तो हम लोग को 11 लाना है तो एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा, तो एक आया, ठीक है, तो एक जोड़ेंगे तो आ गया 11। ध्यान सुनिए अब नियम पे बना, ये तो निकाल ही लेंगे, ठीक है आंसर 10। अब ये देखिए क्या करना है नियम लगाने के लिए, 1739 916 चार तीन एक चार, इसमें कुछ आपको जोड़ना है तो एक जोड़ेंगे तो आपका 11 आ जाएगा, देखिए 16 में से 5 11, एक जोड़े तो जोड़ने के लिए 11 में से एक करेंगे तो 10 हो जाएगा, नहीं तो भाग की क्रिया जो है उसको करेंगे, जो भाग दिए थे उससे भी आंसर आएगा आपका, समझ में आ रहा है, भाजक माइनस शेष करना होगा, यहाँ पे जो जोड़ने का बात है आप भाग देकर देखे है ना, अभी दिखा रहे हैं फिर से एक बार, क्योंकि 11 एकम 1 6 11 5 55 और ये हो गया 8 और ये 9 11 8 88, जोड़ने का बोलता तो आपको भाजक माइनस शेष करना है, बार बार दिखाने का जरूरत नहीं है, ये काम करना है आपको। बोलिए चल रहा है मैसेज, चलिए ठीक है, कोई कमेंट पढ़ने, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है भाई, काहे ला परेशान होता है यार, लगाओ ना डी नंबर, काहे ला टेंशन लिए हो। अगला है 3 के पावर 10 अब बटा में 7, 3 के पावर 5 लिख सकते हैं अगर आपका इजाजत हो तो, अब बटा अब पावर में 2 अब बटे 7, 3 के पावर 5 को हम लिख सकते हैं 243, अगर जानते होंगे 3 के पावर 4 81 होता है, 3 के पावर 5 243 होता है, और भी मेथड है लेकिन कचरा हो जाएगा सिखाने में, मेथड और भी है मेरे पास लेकिन आपको आसान सिखा रहे कि सहजतापूर्वक आप सीख पाए, ठीक है सर, मेरा जॉब हो गया है बिहार पुलिस में सर, हम आपके ही स्टूडेंट हैं, बिल्कुल अच्छा लगा सुनकर। चलिए ये आपको क्या करना है, 7 से भाग देना, 7 एक 70 21 और ये बचेगा 21 हो गया तो 3 सच्चों का 28 और 5 बचेगा, फिर से 3 के पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं ये बताइए मुझे, 3 के पावर 5 लिखेंगे तो एक क्या होगा 243 और स्क्वायर है और 7 से भाग देने आएगा कि नहीं ये बताइए, 7 से भाग देंगे 70 21
और 21 हो जाएगा तो 3, 27 28, अब 5 बचेगा तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब 25 बटे 7, 70 21, शेषफल क्या आएगा? 4। आप लोग का आ रहा है ऐसे? 4 ए नंबर आंसर आ रहा है 14 का। बहुत सारे मित्र आंसर दे दिए हैं जो पढ़ने वाले हैं। राजा कुमार दिए हैं आंसर, और कोई हैं? मैं से चूंकि पढ़ने का साधन थोड़ा कम है, चलिए और निकाल दे दूसरा तरीका। ये समझ गए? ये बताइए 3 के पावर 10, बहुत सारा मेथड है लेकिन सबसे आसान आपको बताएं। 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, 3 के पावर 8, 8 2 10 हो जाएगा, अब बट्टा में 7 लिखिए, 3 के पावर 2 9 हो जाएगा, 3 के पावर 4 आइए 2 हो जाएगा। अब भी निकालेंगे, ये 2 आ गया आपके लिए हम बना रहे हैं, और बहुत सारा साधन है, 8 2 10 हो जाएगा, यहाँ से 2 से सफल बचा, और 3 के पावर 4 81 हो गया, 81 को 7 से भाग देंगे, 7 एकम 1 11, 7 एकम 1 4 बचेगा, यानी कि 4 से सफल बचेगा। 4 का स्क्वायर ये 81 है, 81 को भाग दिए तो 4 से देखिए 7 एकम 7 जाएगा तो 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, तो डायरेक्ट 16 पुट कर देते हैं यहाँ, आई बटा में 7, 16 2 32, 7 से 7 24 28, 4 32 7, 4 आया। मतलब हम आपको आसान वाला बताए हैं, चाहे तो ये भी तोड़ सकते हैं 8 2 10 करके, आपका आंसर 4 ही आना है, कुछ भी करिए 4 आंसर आएगा। आया समझ में सब लोग को? किसी को कोई तकलीफ हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आया समझ में? ये प्रश्न को देखिएगा और थोड़ा सा सावधानी से, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम अधिक नहीं बोला है, 35 प्राप्त होता है उससे उत्तर 35 प्राप्त होता है, कम अधिक बोलता तो अंतर करेंगे, लेकिन कम अधिक बोला नहीं तो फिर क्या करेंगे बताइए? कम अधिक नहीं बोला तो फिर क्या करेंगे? एक संख्या को 21 से भाग देना था, कितना से? 21 से, ये सही था, लेकिन गलती से n में कितना से भाग दे दिए? 12 से। एक संख्या n है जिसको कितना से भाग दे दिए? 12 से, और भाग दे तो कितना प्राप्त हो गया? 35, यानी n का मान क्या है? 35 गुने 12। समझ में आया? गुना नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो यहाँ से n का मान पुट कर देंगे, 35 गुने 12, वास्तविक सही उत्तर प्राप्त करा है, सही उत्तर। तो सही उत्तर तो यही ना आपका, सही उत्तर यही है ना, सही उत्तर। तो n का मान निकाले हैं 35 गुने 12, और ये कितना से भाग देना है? 21 से, 7 5 35 70 21 3 4 12, यानी सही उत्तर क्या है? 20। अरे सही उत्तर क्या है? 20। क्यों कम अधिक नहीं? अरे भाई कम अधिक देता तब तो हम घटाते, कम अधिक देता तब तो घटाते, बोल ही नहीं रहा मेरे से कोई, कम अधिक देगा तभी तो घटा पाएंगे, कम अधिक बोला नहीं। एन को 21 से भाग देंगे तो हो जाएगा फिर, ठीक है ना? ये वाला बल्ब बंद मन है तो कर दीजिए, फ्लैक्चुएट क्यों हो रहा है? वोल्टेज बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 23 1 2 2 8 में जोड़ने पर 33 से विभक्त हो जाए। 33 से मुझे लगता है 7 बार में जाएगा तो 231 आ जाएगा, खत्म। 228 है, 6 बार में जाइए, 36 18, 18 1 19, ये आपका हो जाएगा 0, 12 में से 9 गया 3। अब जोड़ने का बात कह रहा है तो जोड़ने के लिए तो आप जानते हैं ना, जोड़ने के बात होता है तो भाजक माइनस शेष, तो भाजक माइनस शेष करिए, यानी कितना जोड़ना है? 3। अरे भाजक माइनस शेष करेंगे तो कितना होगा? 3 जोड़ना है। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं। यहाँ गुना करेंगे, 36 12 2 24, यहाँ 360 है, ये भी 24 से कटेगा, 8 7 56, 6 5 30, अगर गुना करेंगे तो भी किससे कटने वाला आएगा? 24 से। तो सबसे शुरुआत वाला आप ले लीजिए, सबसे क्या करिए, शुरुआत वाला ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा आंसर क्या? 24। यही ना प्रॉब्लम है, क्या पढ़ाया जाए। यहाँ आया चल रहा है लाइव, कहाँ कमेंट वमेंट को सोच तो कर रहा है, यहाँ पे मिनिमाइज करिए। रुक जाइए, पढ़ाइएगा कम, फ्रस्ट्रेशन यहाँ ज्यादा होगा, लाइन कभी कभी कुछ होता है। आइए फिर से सुनिए जी, आइए
अब आया क्वेश्चन है कि चार क्रमागत संख्या, तो एक दो तीन चार को लगातार गुना करेंगे 24 होगा। आप चाहें तो मन है तो 8 9 10 और 11 भी ले सकते हैं, तो ये भी 8 9 72 आया तो 24 से कटेगा, यानी जो सबसे शुरुआत वैल्यू है उसको लेकर गुना कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताएंगे सब लोग, चलिए कोई बात नहीं है। दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना, तो दो क्रमानुगत संख्या n है और n प्लस 1 है। ठीक है, पहले अंक का 3 गुना, तो पहले अंक का 3 गुना कर दिए 3n, और दूसरे अंक का 2 गुना, तो दूसरे अंक का n प्लस 1 कर दिए और उसका दुगुना कर दिए, और उससे 2 गुने से 5 अधिक है, तो ये अधिक है 5 हो गया, तो 3n और माइनस 2n और माइनस 2 इज इक्वल टू 5। एक ही लाइट है, आप पढ़ लीजिए, एडजस्ट करिए इसमें, तो n बराबर ये हो जाएगा 5 × 7। ठीक है, बोलिए यहाँ से क्वेश्चन जो कह रहा है, दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात करें जिनमें पहले अंक का 3 गुना, ठीक है ना, फिर पहले अंक का 3 गुना और दूसरे अंक का कितना गुना, 3, दूसरे अंक का 2 गुना, दूसरे अंक का 2 गुना से 5 अधिक है, तो दुगुना से 5 अधिक ये है, तो बन जाएगा फिर बड़ा आसानी से, तो 3n 2n और ये माइनस 2 हो जाएगा, तो उधर जाएगा 7 हो जाएगा, n का मान निकाल दिए 7, तो ये 7 हो गया, ये 7 है 8 हो गया, बस खत्म। अगर चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं, 70 21 होगा 3 गुना, और ये है 8, 8 को दुगुना करिए, 8 × 16 5 अधिक आया, देखिए तो ये चेक कर दिए। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा वोल्टेज अप डाउन होते रहता है, क्या करिएगा, यहाँ का स्थिति। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग पहली संख्या से, विषम संख्या होता है n, n प्लस 2, n प्लस 4, हमेशा याद रखिए सम और विषम का नोट एक होता है, क्यों, क्योंकि इनका डिफरेंस बराबर होता है, तो तीन विषम संख्याओं का योग, तो योग कर लीजिए 3n प्लस 6 हो जाएगा, 4 × 2 = 6 हो जाएगा, अब पहली संख्या से 20 अधिक है, तो पहली संख्या ही है ना जी, तो इससे 20 अधिक घटा लीजिएगा, तो 20 कम अधिक का फैसला कौन करता है, अंतर, तो यहाँ से 3n में से n गया 2n और ये 20 में से 6 गया 14, तो n का मान क्या आएगा 7, तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, 7 × 4 = 11 होगा, अरे 7 यहाँ पुट करिएगा, 7 × 4 = 11 नहीं होगा, आंसर तो चलिए रहा है ना सब लोग का, बोलिए बोलिए। क्वेश्चन है तीन क्रमागत विषम संख्याओं का, वोल्टेज अप डाउन कर रहा है अभी, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का पहले अंक का 3 गुना, तीन विषम संख्या n, n प्लस 2, n प्लस 3 प्लस 4 होगा, क्यों, थोड़ा सा कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है, वोल्टेज फ्लैक्चुएट करता है, आया समझ में, यहाँ से पहले का 3 गुना, ठीक है, और दूसरे संख्या n प्लस 4 का कै गुना, 2 गुना से, इतना अधिक है 3, तो यहाँ से 3n हो गया और माइनस 2n और माइनस 8 इज इक्वल टू n बराबर 11, कह रहा है कि बड़ी सूत्र 11 और 4 = 15, अब सही है 15, बोलिए 15 आंसर लगाइए ना, 15 आंसर लगाइए, तीसरा पूर्णांक मांगा है, तीसरा ये है n, दूसरा n प्लस 2, n प्लस 4, 11 निकाले हैं, 11 × 4 = 15, क्या है आज ऐसे वोल्टेज कर रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो कभी नहीं करता है एकदम। पहली 200 विषम प्रकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, पहली 200 विषम प्रकृत संख्या विषम है, पहले याद रखिए कि 200 तक, 1 से 200 में 46 गो विषम होता है और 1 से 100 गो में विषम कह रहे हैं, सॉरी गलती बुला रहा है, अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या 1 से 200 में 46 अभाज्य संख्या होता है, 1 से 100 में 25 अभाज्य संख्या होता है, लेकिन यहाँ विषम कह रहा है, तो विषम में पहला अभाज्य संख्या 2 है, तो 46 गो में 1 और 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका 45 गो लेंगे, कितना लेंगे आंसर 45, सुन रहे हैं मेरी बात, क्या बोला अभी मैं फिर से सुन, आज पढ़ाने नहीं देगा लाइन आपको, आज पढ़ने आप पढ़ाने नहीं देगा मुझे, क्वेश्चन कर रहा है 1 से 200 में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, 200 तक में 46, जो कि केवल विषम कह रहा है, तो विषम एगो सम ऐसा है जो यही है 2, जो विषम
सुनिए, सम होते हुए भी अभाज्य है तो विषम में ये नहीं आएगा, तो एक घटा दीजिएगा कितना होगा 45, याद कर लीजिएगा, इसको हमेशा एग्जाम में आता है प्रश्न। और 1 से 100 तक में 25 वो होता है, अगर विषम लिख दे तो 24 वो होगा, ठीक है। निम्न में कौन सा जोड़ा स अभाज्य है, तो ये तो 2 से कट जाएगा, ये भी कटने वाला है क्या देखते हैं। स अभाज्य होने के लिए यानी कि 7 से कटेगा नहीं, 19 से कटेगा, ये 19 से, ये तो कटेगा नहीं, अभाज्य है नहीं, यही स अभाज्य होगा। मुझे लग रहा है ये कोई से ना कोई से कट रहा है, क्योंकि 59 और 97, 59 क्योंकि प्राइम नंबर है, चूंकि समझ में आ रहा है 59 क्या है प्राइम नंबर, तो ये मुझे लगता है कि कटने वाला किसी से नहीं है, तो इसलिए स अभाज्य के लिए हमारा सी आंसर द बेस्ट है, ये कोई ना कोई से कटेगा। थोड़ा दिमाग लगा कर चेक कर सकते हैं अगर आपको करना होगा तो, 19 से ये जाएगा, 19 से वो नहीं जाएगा, तो 19 से जाएगा तो 6 बार में 3 2 5 1, 3 से दोनों कट जाएगा, ये किससे कट जाएगा 3 से नहीं, 4 1 5 1 6, 3 2 5 1 6, ठीक है 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये आपका 5 से कट जाएगा। तो को प्राइम होने के लिए क्या बताए थे नियम बताइए, तो को प्राइम का नियम क्या था कि वो ऐसी संख्या जो एक दूसरे से न कटे वो को प्राइम है, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य है, तो भाज्य है ये 7 है, ये पहले 2 से कोई कटना है नहीं, 3 से चेक कर सकते हैं, तो भाज्य है तो ये 7 1 8 9 17, 7 9 13, ये 9 7 16 खत्म, यहाँ से 7 2 9, ये देखिए यही भाज्य है, कैसे 9 7 2 9 और 9 9 18, 3 से कट जाएगा, तो जो कट जाएगा भाज्य है, भाज्य नहीं भाज्य है, तो सारे अभाज्य है ये क्या है भाज्य है, सारे अभाज्य है ये क्या है भाज्य है। 100 प्रकृत संख्या में कितने बोले थे ना, ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको, 1 से 100 में अभाज्य संख्या होगा 25, अब विषम लिख देता तो 24, क्यों, क्योंकि विषम में 2 का गिनती नहीं करते हैं, आया समझ में, बोलिए। लाइट नहीं है बेटा प्रॉपर रूप से, आज बहुत तबाह हम लोग लाइव लेकर आए हैं, कल भी यही स्थिति था, अब हम क्या कर सकते हैं ये बताइए, हमारे हाथ में है अभी तो एक लाइट पे केवल हम पढ़ा रहे हैं, आपको खुद फील हो रहा होगा फेस काला काला सा रहा होगा, लड़कों का कहता है लड़का कि सर क्यों नहीं आए लाइव, अरे सर क्या करेंगे, क्या निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, 6 और 3 9 2 11, यहाँ से 3 2 5 4 9, ये तो अभाज्य होगा नहीं, 7 3 10 2 12, क्योंकि 3 से कट गया, ये भी 3 से कट गया, 5 3 8 2 10, 6 ये आपका 11 से कट रहा है, कैसे सर आप चेक कर लिए, तो 5 3 2 5, अब 5 में से 5 गया 0, यानी ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है, तो अभाज्य कौन सा है, ए नंबर, बोलिए ए नंबर अभाज्य होगा ना जी, चेहरा से थोड़ी पढ़ना है, पढ़िए क्या करना है, क्वेश्चन दिखना चाहिए, कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है 2 होता है, लेकिन 0 छोड़ देना है, 0 को नहीं लेना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसी भी पूर्ण संख्या को गुना करिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी गुना करेंगे तो आपका सब सम आएगा, क्योंकि 2 के साथ कोई भी संख्या अगर गुना होगा तो सब क्या आएगा सम, आंसर हमेशा सम संख्या आएगा, हमेशा क्या आएगा सम, 2 के साथ कोई भी संख्या गुना करेंगे, प्राइम नंबर हो या कंपोजिट नंबर कुछ भी हो, कोई भी संख्या सम आना ही आना है उसको। 27 नंबर आ जाइए क्वेश्चन, 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्या, 51 है नहीं 53 है, 53 के बाद 59 61 67, 69 है नहीं 71 73 79, बस इसी को तो जोड़ना है, तो जोड़ने के क्रम में हम 2 मेथड बताए थे, अब आपको कौन सा लेना ये बताइएगा, हम बता रहे हैं कि 53 59 61 67 71 सजा के लिख रहे हैं, 73 और 79, बीच का वैल्यू कोई 60 ले लिए, क्या ले लिए, बीच का वैल्यू 60 आपको पढ़ाए हैं, और ये हो जाएगा -7, ये 60 लेंगे तो उससे ज़्यादा लीजिए अच्छा लगेगा, क्योंकि 60 बहुत कम पड़ रहा है, 50 65 लीजिए अच्छा रहेगा, और भी ले सकते हैं, 65 ले लिए तो ये हो जाएगा आपका 13 में से 5 गया 8, माइनस ये 12, बोलिए -12 हो जाएगा, देखिए ना आप, और ये आपका हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +2,
ये मेथड बताए थे आपको, याद होगा क्लास में। और ये हो जाएगा, ये 11 में से 5 गया 6, और ये हो जाएगा 15, 13 में से 5 गया 8, और ये हो जाएगा आपका 14। बस आपका फाइनल हो गया। अब बोलिए कि 4 6 12 6 18 4 22, ठीक है, 12 6 18 4 22 14 8 22 की खत्म। और कितना संख्या है, 3 और 3 6 और 1 7, तो 12, देखिए 3 3 6 1 7 है, तो यहाँ काट दें तो आपका 6 व 2 8 आया, तो यानी कि 65 आई 8 बटे 7 आया। इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो 66 पूर्णांक 1 बटे 7 आएगा, ठीक है। इसको गुना कर लेंगे, 6 7 42 1 43 हासिल 4 42 42 4 46, और बटे में 7 एवरेज हुआ, और नंबर ऑफ टर्म्स से गुना करेंगे काट देंगे 463। ये मेथड बताए थे, नहीं तो डायरेक्ट जोड़ लीजिए, डायरेक्ट जोड़ लीजिए, दोनों मेथड बताए थे। 65 नहीं, आप हो सकता 60 हो लीजिएगा तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है, 60 पे भी आएगा 100%, 70 लेंगे तो भी आएगा, लेकिन हम एक अनुमान ले लिए, ये आपको सिखाएं, बाकी आपको तो जोड़ने आता ही होगा जो सिंपल मेथड है आपके पास। 1 से 100 के गिनती में कितने हैं जो अंक 5 आएगा, तो 5 कहाँ आएगा, 5 में आएगा, ध्यान सुनिएगा, 5 कहाँ आएगा, 5 में, 15 में आएगा, 15 के बाद 25 में, इस तरह से कहाँ आएगा, 95 तक। तो 95 यानी कि इसका डिफरेंस कितना है, 10। अब पहला पद क्या है, 5, तो आपको फार्मूला बताए थे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो tn कितना है, 95, ध्यान सुनिएगा केवल। अरे भाई टीवी, अब तुम तो शांत रहो, बराबर ये पहला 5 n माइनस 1 इंटू d, हाँ तेरा की यार, सब का जतरा खराब है क्या यार, इसका चेहरा देख के हम शुरू किए हैं यार। चलो ये घटाएंगे तो हो जाएगा 90, ये 5 घटाएंगे 90 n माइनस 1 आई 10 हो जाएगा, तो कटाएंगे तो 9 n का मान हो जाएगा 10। अभी नहीं आंसर आया, अब ध्यान से सुनिए, 51 में 51 52 53 इन 59 तक लीजिएगा तो इसमें सब के इकाई स्थान पर 9 आएगा, सॉरी 5 आएगा, सब के इकाई स्थान पर क्या आएगा, 5, कहाँ कहाँ, 51 में 52 में 53 में 54 में 55 में 56 में 57 में 58 में 59 में 9 गो आएगा। लेकिन आप 55 को गिनती करेंगे तो 55 यहाँ गिनती हो गया है, 25 35 45 55, तो 55 को हटा के अगर दो गो था 5, एगो, ध्यान सुनिए 55 में कितना 5 था, दो गो, 55 में ये 10 गो कंप्लीट है, आप यहाँ से 9 गो हो गया, 10 9 19 फिक्स हो गया, अभी रुक जाइए, ये कै गो हुआ, 10 9 19 पक्का। और 55 काहे लिए है फिर से, क्योंकि 55 में दो गो 5 था, तो एक गो इसमें यूज हो गया 55, और एक गो 5 यहाँ भी यूज किए हैं, तो यहाँ से 9 हो, अब रुक जाइए, यहाँ से यहाँ में 50 कहीं यूज नहीं हुआ था, 5 15 25 35 45 55 50 छूट गया था, तो 50 में भी एक गो 5 है, यानी कि 19 1 20 गो। नहीं समझ में आया, फिर से बताएं, पहले मेरी बात को सुनिए, ये पक्का क्लियर है कि नहीं है, ये 5 का सीरीज क्लियर है कि नहीं, 5 15 25 35 45 95, डी बराबर 10 कॉमन डिफरेंस, ए बराबर 5, tn बराबर 95, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला d का मान 10 था, पुट कर दिए हैं, ये n का मान 10 है। अब यहाँ से 51 से 59 जाइएगा तो हर जगह 5 मिलेगा, 51 में 52 में 53 में तो 9 को मिला, और एक 55 का क्यों नहीं गिनती की, एगो 55 यहाँ गिनती हो गया 5, तो एगो 5 गिनती के हैं तो 9 में आ गया है, 55 56 57 9 हो गया। अब एगो 50 छूटल था, इसमें 50 का काउंट नहीं किए थे, क्यों, क्योंकि 50 का काउंट इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि 10 का डिफरेंस 5 15 25 35 45 55 आया, 50 कहाँ आया, तो एक और जोड़ेंगे यानी कितना होगा 20। बोलिए तो आंसर सी लगाइए ना, फिर एक व्यक्ति बोल रहे हैं फिर से बताइए सर, एक बार उसको अच्छे से देखेंगे ना खुद समझ में आ जाएगा।
इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है? अविभाज्य मतलब कि कौन अविभाज्य है, मतलब कौन कटने वाला नहीं है। तो 121 तो 11 से कट जाएगा, ये मुझे लग रहा है कि 7 से ये चल जाएगा, 7 दूनी नहीं, 7 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 से, 7 दूनी 14, ये 7 से गया हवा खाने, ये 11 से गया, इसको रुक जाइए, 4 1 5 1 6, ये 3 से कट जाएगा यार। ओहो इतना आसान है, 121 है 11 से कटेगा, 141 अंकों का योग 4 1 5 1 6 से कट, यानी कि 6 है, यानी कि 3 से कट जाएगा, और 161 किससे कट गया, 7 से, और सी नंबर है जो कि आपका अभाज्य संख्या अविभाज्य है। ठीक है ठीक है ठीक है, कह रहा है कि कौन सा ट्विन, ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं पहले बताइए, आज दिमाग खराब हो गया है मेरा। ट्विन प्राइम किसे कहते हैं कि जो सह अभाज्य हो एक तो दूसरा की लगातार हो, लगातार का मतलब कि दो का डिफरेंस होना चाहिए, लगातार हो ज्यादा बेस्ट बोलेंगे परिभाषा, लगातार हो, लगातार हो वो उसे ट्विन प्राइम बोलते हैं। तो 11 13 ट्विन प्राइम नहीं है कह रहा है, तो ये तो है 71 73 ट्विन प्राइम तो है, फिर 131 133 ट्विन प्राइम है, और यहाँ से 191 193 रुक जाइए, तो 9 3 12 1 13 9 1 10, यहाँ पे 3 3 6 3 1 5 1 6 11 से, यहाँ से ट्विन प्राइम तो दो हमको मिला, जो 11 13 भी है और 71 73 भी, यहाँ पे आपको चेक करना है, 7 से मुझे लगता है ये कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 14 5 नहीं, 107 से, 7 दूनी 14 और ये 7 से कटेगा, 7 एकम 1, अच्छा 7 63, देखिए 133 है, ध्यान सुनिएगा 133 है, ये तो हो गया, ये क्यों नहीं होगा ये सुनना है, क्यों होगा, क्योंकि 131 तो फिक्स है, 133 ले लिए, 133 डिफरेंस तो है लेकिन ये कटने वाला है। ट्विन प्राइम क्या कहता है कि दो लगातार हो, पहले तो लगातार हो और दोनों प्राइम नंबर हो, दोनों क्या हो प्राइम नंबर, तो ट्विन प्राइम बोलते हैं। तो ये तो 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर है, 71 73 दोनों प्राइम नंबर है, 191 193 प्राइम, 133 जो है ना वो कट रहा था किससे, 7 से, इसलिए ट्विन प्राइम कौन नहीं है, सी नंबर, समझ गए होंगे। बोलिए और एक क्वेश्चन है बता देते हैं, निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य श्रृंखला है? तो 3 5 7, ये गड़बड़ हो गया क्योंकि 2 छोड़ दिया इसमें, ये 2 लिया 5 लिया 7 लिया, ये 9 नहीं होगा इसलिए गलत है, और 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सही है, और 1 ले लिया इसमें इसलिए गलत है, तो कौन सा सही है, सी नंबर, कौन सा सही है, सी नंबर। वोल्टेज खराब होने के कारण लाइव क्लास आपका मतलब मत पूछिए, हर दिन हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन कभी वोल्टेज का प्रॉब्लम, कभी नेट का प्रॉब्लम, इसलिए जो भी मित्र हैं सॉरी, आते हैं देखने के लिए बहुत लालसा लगाकर और हम उनको सेवा नहीं दे पाते हैं, तो अब हमारे तरफ से जो आप समझिए, क्योंकि अभी भी एक लाइट पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जो आपको महसूस हो रहा होगा, और अभी भी वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं है,